Bismillahir Rahmanir rahim Assalamu alaikum, students. I am your teacher from Allied Schools, PDA Bharia Campus Lahore. This is online with computers book for class 2. Today we are going to solve page number 26 and 27 of this book. This diary is for week 4, day 3rd, 4th, and 5th. थर्ड डे की जो डायरी है उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कीबोर्ड जो है उस, आ, उसको अपनी नोटबुक में ड्रा करना है ठीक है प्यारा सा कीबोर्ड और उसमें आप लोगों ने कलरिंग करनी है ये थर्ड डे की डायरी है ठीक है फोर्थ डे जो है उसकी डायरी में ये शामिल है कि इस पेज यानी कि ट्वेंटी सिक्स पेज पर पे जो एक्टिविटी ए और बी है आपने इसको रिवाइज करना है और जो फिफ्थ डे की डायरी है उसमें हमने जो ट्वेंटी सेवन्थ पेज पर पे, यानी कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको या दोबारा से रिवाइज़ करना ठीक है ये लिखना और याद करना है इनको चलें जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्टली आप लोग जो हैं लेफ़्ट साइड पे डेट मेंशन करें एच डब्ल्यू मिडल में लिखें और रा, राइट साइड पे आप लोग डे दे, मेंशन करें और ये जो एक्टिविटी ए है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और इसमें तीन ऑप्शन होंगे ठीक है जो सही ऑप्शन होगा उसको हम लोगों ने टिक करना है और साथ में उसको खाली जगह में लिखना भी है फर्स्ट है अ कर्सर लुक्स लाइक डैश जो कर्सर है वो दिखने में कैसा होता है ए ऑप्शन ए पे जो है वो आ, उसकी तस्वीर एक लाइन खींची हुई है ठीक है और कर्सर का साइन है बी पे प्लस का साइन है और सी पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो ए ऑप्शन है वो सही है उसको हम टिक लगाएंगे और साथ में उसको हर जगह में लिखेंगे भी बी जो है वो है डैश की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन डैश जो की है कौन सी जो की है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती है इसका ए ऑप्शन है डिलीट बी ऑप्शन है एंटर और सी ऑप्शन है शिफ्ट इसका जो सही ऑप्शन है वो है एंटर की ठीक है तो हम यहाँ पे खाली जगह में एंटर लिखेंगे और एंटर को टिक भी करेंगे सी है ए बी सी डी आर डैश कीज ए ऑप्शन है फंक्शन बी ऑप्शन है अल्फाबेट और सी ऑप्शन है नंबर इसका सही जो जवाब है वो है अल्फाबेट यानी कि बी ऑप्शन इसको टिक करें उसको खाली जगह में भी लिखें फोर्थ है जी डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड कौन सी की जो है वो की बोर्ड पर सबसे लंबी की है ए ऑप्शन है स्पेस बार बी ऑप्शन है डिलीट एंड सी ऑप्शन इज़ बैक स्पेस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेस बार इसको हम खाली जगह में लिखेंगे भी और इसको टिक भी करेंगे नेक्स्ट हमारी बी एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हमारे हमें वर्ड बैंक दिया हुआ है ठीक है इसको यूज करते हुए हम लोगों ने इन खाली जगह को पुर करना है फर्स्ट जो खाली जगह वो हमारे पास है देर आर डैश नंबर कीज़ ऑन द की बोर्ड यहाँ पर जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा टेन ठीक है जो कीबोर्ड पर नंबर कीज़ हैं वो टोटल टेन हैं तो यहाँ पर टेन यूज़ करेंगे सेकेंड जो खाली जगह वो है डैश की अरेज द करेक्टर ऑन ऑन द राइट साइड ऑफ द करसर यहाँ पर जो वर्ड सेकेंड खाली जगह में हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा डिलीट थर्ड जो है वो है दे आर डैश श्फ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड यहाँ पर जो यूज़ करेंगे हम लोग वर्ड वो होगा टू फोर्थ जो है एरो कीज़ आर आल्सो कॉल्ड डैश कीज़ यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा कर्सर कंट्रोल ठीक है लास्ट है एफ वन इज़ अ डैश की ये यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वर्ड वो होगा फंक्शन ठीक है और ये हो गई हमारी फोर्थ uh, डे की डायरी कम्प्लीट अब हम लोग फिफ्थ दे की जो डायरी इसको हम करते हैं ये ट्वेंटी सेवन पेज है ठीक है यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स है इनको हम लोगों ने सोल्व करना और इनको याद करना है ये देखें जी फर्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस स्पेसेस बिटवीन टू बिटवीन वर्ड्स इसका जो आंसर है वो है स्पेस बार की ठीक है क्वेश्चन uh, का मतलब है कि uh, कौन सा जो uh, कौन सी की जो है उसको हम यूज़ करते हैं टू वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस के लिए ठीक है खाली जगह के लिए तो इसका आंसर है स्पेस बार की सेकंड क्वेश्चन है विच कीज़ शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द कर्सर कौन सी कीज़ जो है वो कर्सर जो है उसकी डायरेक्शन यानी कि उसको जो है वो शो करती हैं ठीक है इसका आंसर है एरो कीज़ और थर्ड क्वेश्चन है विच की इज़ यूज़ टू टाइप द कैपिटल और अपर केस लेटर्स यानी कि कौन सी की जो है अगर हमने कैपिटल लेटर में लिखना हो यहाँ पर केस लेटर में तो हम कौन सी कीज उसको प्रेस करेंगे इसका है आंसर कैप्स लॉक की ओके स्टूडेंट्स ये हमारी डायरी कंप्लीट हो गई ठीक है आप लोगों ने इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और लिख लेना है और साथ में जो पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स है इसको भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है ठीक है और कीबोर्ड जो है उसको आपने अपनी कॉपी में ड्रा करना, करना है उसमें कलरिंग करनी है ओके स्टूडेंट्स स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज